इस वक्त हमारे साथ भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही हैं। भानु जी, कल रात टांग कर बाहर निकाला गया और सुबह निलंबित कर दिया गया, बहुत स्थिति गंभीर। आप देखिए, कल 2 बजे से लेकर के आज 12 बजे तक का घटना को ये काला अध्याय पूरे विश्व के लोकतंत्र के लिए, मुझे लगता है, या माना जाएगा, झारखंड के विधानसभा के अंदर हुआ। हम लोगों ने मुख्यमंत्री का केवल जवाब मांगा। 3 विषय था, अनुबंध कर्मियों को अस्थाई करो जो आपकी घोषणा थी, 5 लाख नौकरी साल में, 25 लाख नौकरी और 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता जो आपकी घोषणा थी, JPSC JSSC में जो घोटाले हुए हैं उसका CBI जांच का मांग था। 3 विषय पर हम लोगों ने विधानसभा के अंदर वैधानिक तरीका से धरना दिया। लाइट काट दी गई, AC बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिया गया, रात को 10 बजे मार्शल लगा करके हम लोगों को सदन से बाहर लॉबी में फेंका गया, रात के 1:30 बजे लॉबी से उठा करके इस फर्श पर फेंका गया। पूरी रात हम लोगों ने इस फर्श पर काटा है। सुबह 7 बजे तक शौचालय भी नहीं खोला इन लोगों ने। आप सोचिए, हमारे साथ महिला विधायक भी बैठी हुई थी, हमारे साथ बुजुर्ग विधायक भी बैठे हुए थे। 7 बजे तक जब शौचालय नहीं खोला तो हम लोगों को शौच के लिए घर जाना पड़ा है। ये स्थिति में पूरी रात हम लोगों ने बिताई है। और पुनः जब सुबह सदन चालू होता है, हम लोग उसी फर्श पर बैठे हुए मिलते हैं और हम लोगों को आवाज़ बगैर सुने हुए इन्होंने हम लोगों को निलंबित करने का काम किया। यह तानाशाही नहीं तो क्या है? और यह तानाशाही आपको मिला कहाँ से? किसने संवैधानिक अधिकार दिया है आपको? हेमंत सोरेन जी ने? हेमंत सोरेन जी को यह ताकत किसने दिया है? जनता ने। अबर बार उस जनता, वही जनता आपको उखाड़ करके जब फेंकेगी तब आपके पास आने वाला समय में कोई अधिकार नहीं बचेगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग को बेरोजगार का चिंता नहीं है, खुद चुनाव के बाद बेरोजगार होने वाले हैं इसीलिए ज्यादा चिंतित। भाई, आप जो भी पॉलिटिकल मायने लगा सकते हैं लगाइए, 10 लाख अनुबंध कर्मी है इस झारखंड प्रदेश में, 5 लाख से ऊपर ठेका कर्मी है, आउटसोर्स वाले लोग हैं 15 लाख, यह लड़ाई उनकी है। लगभग 20 लाख से ऊपर छात्र और छात्राएं हैं जो JPSC और JSSC से प्रभावित होती हैं, उनकी आवाज हम उठा रहे हैं। बाकी आपकी घोषणाएं आपको याद करा रहे हैं, तो यह अलोकतांत्रिक कहां से हो गया? यह हमारे ऊपर आक्षेप कहां से हो गया? आप बताइए ना कि आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नियम है, परंपरा है, जैसे कि सुदीप सोनू भी नियमावली का हवाला देते हुए बोल रहे थे कि सदन का नेता आखिरी में बोलता है, तो उस हिसाब से तो आखिर परंपरा को तोड़कर आप लोग चाह रहे हैं कि जब चाहे तब बुलवाए मुख्य? नहीं, आप देखिए, कल का आप लोग सदन में होंगे, कल एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने जवाब दिया। सदन का नेता और विपक्ष का नेता जब चाहे सदन के अंदर बोल सकते हैं, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। ये जो स्वदूप सोनू जी का बड़ा खोपड़ी में छोटा दिमाग है ना, वो उनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। सदन नेता कभी भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी वक्तव्य को रख सकते हैं। विपक्ष के नेता कभी भी खड़ा होकर के कोई जन समस्या को रख सकते हैं। तो ये जो है बचने वाली बात है। आप आइए, बात को कह देते, कल आकर के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ रहे थे हम लोगों के बीच में, उठ जाइए। हम लोगों ने कहा कल अपनी बात को रख दीजिए, फिर भाग गए वो। क्यों भाग रहे हैं भाई? आप अंतिम में क्यों बोलना चाहते हैं? यह सत्र अंतिम है, अंतिम क्षण में आप बोलेंगे, जो मन आएगा बोल करके भाग जाएंगे, तो हम क्रॉस किससे करेंगे? हम फिर कौन से फोरम में जाकर के बात को रखेंगे? इसका मतलब साफ साफ है कि आप युवा के, अनुबंध कर्मी के विषय को डाइल्यूट करना चाहते हैं और इससे भागना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भागने नहीं देंगे। आज हमारे विपक्ष के विधायकों को आपने निलंबित किया है और आप सोचते हैं कि निलंबन से हमारे जवान पर ताला लग जाएगा? नहीं, नहीं हेमंत सोरेन जी, नहीं रविंदर महतो जी, आपके निलंबन से हमारे जवान पर ताला नहीं लगेगा। और प्रखर होकर के इस आवाज को हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता अब आपके हलक में हाथ डाल करके इस सवाल का जवाब निकलवाएगी और आपको कुर्सी से उतरवाएगी। आप लोग क्या करेंगे अब निलंबन? जनता के बीच में जाएंगे। अब ये विषय को लेकर के जब ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया, तो जो जनता हमको चुन करके भेजी है, आप सोचिए ना, कल 25 विधायक के आसपास हम लोग रात में थे, एक विधायक 5 लाख जनता का प्रतिनिधि है, 1.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधि को रात में किस तरह से दुर्व्यवहार किया, उनकी आवाज को आपने सुबह नहीं सुना और सुबह उठते उठते 19-20 लोगों को आपने निलंबित कर दिया, कहाँ का न्याय है भाई? आज तक ऐसा आंदोलन भी कहीं पूरे देश और दुनिया में नहीं हुआ होगा जो कल रात में विधायकों ने किया, और ऐसा कुकृत भी किसी अध्यक्ष ने नहीं किया होगा, किसी सरकार ने किया होगा, जो रविंदर महतो जी और हेमंत सोरेन ने कर रहे हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.